नमस्कार साथियों, मैं हूं जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक आपको वीडियो बना करके बताया था, न्यूज बताया था कि जो धान का उत्पादन है या फिर धान का जो जो कल्टीवेशन का एरिया है, इस वर्ष थोड़ा कम देखने को मिला है। थोड़ा कम नहीं, बहुत ज्यादा कम देखने को मिला है। लगभग 5.62% कम देखने को मिला है। ये न्यूज मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, आप इस वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो चावल का मूल्य है वह मार्केट पर इंक्रीज होने वाला है। तो यह अब स्वाभाविक रूप से दिख रहा है, क्योंकि कल ही भारत सरकार ने चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा है, कुछ महीने पहले, कि गेहूं के निर्यात पर बैन लगा। उसके पहले आपका जो शुगर है, शक्कर है, उसके निर्यात पर बैन लगा था। तो उस कारण से बैन क्यों लगा था, क्योंकि हमारा जो उत्पादन है, जो कल्टीवेटेड एरिया है, वो कम थी। और अभी आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिल रहा होगा, अगर जिनके यहाँ आपको अगर पता होगा कि राशन के जो मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो राशन मिल रहा है, तो उसमें 10 किलो में 5 किलो आपको गेहूं था पर व्यक्ति। तो गेहूं अब नहीं मिल रहा है हमारे यहाँ, तो नहीं मिल रहा है। अगर आपके यहाँ मिल रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। गेहूं नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार के पास गेहूं की कमी है। हमारा उत्पादन उतना नहीं हुआ है जितना हमें चाहिए था, इसलिए मार्केट पर भी गेहूं का रेट हाई देखने को मिला है। और उसी प्रकार से जो अब चावल का है, चावल का समस्या, तो जो 2021 का डाटा है, तो 2021 में जो हमारा उत्पादन का जो एरिया था राइस का, वह लगभग लगभग था 406 लाख हेक्टेयर, और वह 2022 में कितना है, लगभग लगभग 383 लाख हेक्टेयर। मतलब लगभग लगभग 23 लाख हेक्टेयर की जो उत्पादक एरिया है जो चावल का, वह कम हुआ है। और इसके वजह से उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी, मार्केट पर धान या चावल की आवक का कमी देखने को मिलेगी। इस कारण से आपका मार्केट पर अब यह संभावना है कि चावल का मूल्य अधिक होगा, मतलब फिर से एक तरह से आम जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली। दोस्तों, एक चीज और जो मैं आपको बता देना चाहता हूं जानकारी के लिए, कि भारत इतना बड़ा देश है, आपको यह पता होगा कि चावल के उत्पादन पर दूसरा स्थान है, पहला स्थान चाइना है, लेकिन चावल के निर्यात पर भारत प्रथम स्थान पर आता है। और लगभग जितना आपका जो मतलब चाइना हो गया या फिर अन्य देश हो गए, जितना भी वियतनाम, बांग्लादेश आदि देश हैं, जितना भी वो निर्यात करते हैं, वो बहुत कम है भारत के मुकाबले। भारत लगभग 40%, मतलब कि भारत 40% निर्यात अकेले करता है विश्व पर। लगभग देश के 150 देशों पर भारत अपना चावल निर्यात करता है। अगर भारत चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है, तो यह भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जिन जिन देशों पर भारत से चावल जाता था, वहां पर भी महंगाई का मार पड़ेगा ही पड़ेगा। अब भारत में तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि चावल की उत्पादन क्षमता भी इस वर्ष या फिर आने वाले जो समय है, यह मैं देख रहा हूं कि उत्पादन क्षमता भी कम होते जा रही है, क्योंकि मिट्टी का भी उर्वरा शक्ति कम होते जा रहा है। किसान इतना मतलब कि वो नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं कि मिट्टी की हम उर्वरा शक्ति बनाए रखें। अभी भी लगातार किसान जागरूक नहीं है और रासायनिक खाद पर ही निर्भर है, पूरी तरह से जैविक की ओर आ नहीं रहे हैं, मिट्टी की जो सुधारक क्षमता है वो बना नहीं रहे हैं। दोस्तों, अभी कई सारे एरिया पर यह भी देखा गया है कि बाढ़ आ चुका है, कई सारे एरिया पर सूखा भी पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से भी जो हमारा एरिया बुआई हो चुका है, वहां पर भी उत्पादन हमको कम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ऑल टोटली कहें तो उत्पादन कम होगा, एरिया पर भी कम बुआई हुआ है, इसलिए चावल की महंगाई बढ़ना ही बढ़ना है। तो चावल के साथ साथ इस वर्ष धान की भी महंगाई बढ़ेगी। तो जो किसान धान तो उगाए हैं, उनके लिए तो एक तरह से फायदे का सौदा होगा कि हम महंगा धान बेचेंगे, लेकिन जो आम जनता है, जो खरीद कर खा रही है, उसको जेब ढीला करना पड़ेगा, वह महंगाई का मार झेले। दोस्तों, यही आज का न्यूज था जो आपको हमें बताना था कि चावल के निर्यात पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। तो दोस्तों, आज का यही न्यूज था जो हमें आपको बताना था, जो धान के किसान हैं उनको और जो अन्य किसान हैं या फिर जो अन्य हमारे व्यूवर्स हैं, उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि देश पर हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या चल रहा है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई सुझाव हो तो जरूर दें, कमेंट रीड करते हैं हम, रिप्लाई भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। वीडियो में नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।